मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैंने एमएस स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में किया है। मैं गुज़िश्ता 5 सालों से क्लेफ्ट लिप और पैलेट वाले बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। इन बच्चों को ज़्यादातर बोलने के मसाइल होते हैं, जिनमें तलफ़ुज़ की अदायगी, नाक से बोलना और दुरुस्त आवाज़। तो हम इनको ऑपरेशन से पहले असेस करते हैं और ऑपरेशन के बाद स्पीच थेरेपी करते हैं, जिसमें हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ये वालदैन घर में जाकर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। जिन बच्चों के तालू का ऑपरेशन 9 माह से 1 साल की उम्र में हो जाता है, इन में स्पीच डेवलपमेंट दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत बेहतर होती है। जिन बच्चों के लेट ऑपरेशन होते हैं या वालदैन गफलत करते हैं, उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इन बच्चों की स्पीच को बेहतर करने के लिए दूसरे बच्चों की निस्बत जिनका 9 से 12 माह की उम्र में ऑपरेशन होता है, उससे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है। और वालदैन को ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों की आवाज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तलफ़ुज़ की अदायगी में हम जैसे बच्चे को प ब ट ड क ग बोलना नहीं आ रहा होता, तो हम उनको दुरुस्त अदायगी सिखाते हैं। और जो बच्चे नाक से बोलते हैं, जिसे हम हाइपर नज़ाल्टी कहते हैं, उसको दुरुस्त करवाना और उनकी फ्लुएंसी को बेहतर करना स्पीच थेरेपी में शामिल है। अभी हाल ही में हमने अमेरिका से नेज़ोमीटर 2 मंगवाया है, जो कि स्पीच थेरेपी के रिज़ल्ट्स को बेहतर करेगा और अच्छे तरीके से तशखीस में मदद देगा। हम बच्चों का 1 माह का, 3 माह का और 6 माह का आवाज़ का मुआवजा कर सकते हैं और जो उनके मसाइल हैं उनको हम अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं।